मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम डीएनए, प्रोटीन और आरएनए की एनालिसिस करने का काम करते हैं, जिसका प्रयोग बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेज में किया जाता है मॉलिक्यूलर लैब के अंदर। आज इस पर हम डिस्कस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके का जो हम देख रहे हैं डायग्राम, इस तरीके का होता है, जिसमें हम सैंपल को पोरिंग करके उसमें जेल के माध्यम से, और उसमें फिर हम जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिससे प्लस और माइनस एनायन के द्वारा जो है हमारा जो मटेरियल होता है वो एनालाइज होता है, सेपरेशन हो जाता है, सपोर्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोफोरेसिस टू एनालाइज मेथड दैट द यूज द सेपरेट प्रोटीन एंड डिफेंस एजेंट चार्जेस। तो अब इसके द्वारा हम बताया था कि प्रोटीन करते हैं, अ सैंपल ऑफ प्रोटीन ऑफ इन डीएनए आरएनए इज प्लेस्ड इन द बॉल एट वन एंड टू जेल। बताया कि इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन जो होती है उसके अंदर कैथोड एनोड होते हैं, और उसके अंदर एक जो टैंक होता है उस टैंक में हम जेल को भरते हैं, और जेल में एक एंड पर हमारा जो मटेरियल होता है उसको हम फिल कर देते हैं, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम सप्लाई देते हैं, और वहीं से जब रन करते हैं जो हमारा मटेरियल होता है वो रन करता है, यानी कि कैथोड और एनोड की ओर जो है डिफरेंशिएट हो जाता है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड रिपील्स प्रोटीन एंड कॉजेस देम द मूव डाउन जेल बिकॉज द साइज एंड चार्जेस कंट्रोल हाउ फार द सैंपल विल ट्रेवल जेल कैन द बी यूज्ड डिटरमाइन द मेकअप ऑफ द प्रोटीन बाय कंप्रेसिंग जेल प्रोटीन सेपरेट थ्रू द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन। तो मैं देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा है ये हमारा टैंक है जिसके अंदर हम जेल भरते हैं, और जेल भरने के बाद इसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद हम देखते हैं कि यहां पर जो सेपरेशन है, यहां से हम अपना जो हमारा जिस मटेरियल को सेपरेट करना होता है, जैसे अगर हम डीएनए को इसमें डालेंगे तो डीएनए के हमें बैंड्स दिखाई देंगे अलग अलग, वो सेपरेट बैंड होंगे कि कौन सा पार्ट कितने गैस करके बना हुआ है। उसी तरह से प्रोटीन्स जो होती हैं और आरएनए भी अलग अलग तरीके से सेपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करने के बाद। ये पूरी तरीके से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप देख सकते हो सीन, यहाँ पर ये बॉल्स है, यहीं पर हम पोरिंग करेंगे, मटेरियल होगा सेपरेट करना है आपको, और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको रन करेंगे, और इसमें देखेंगे नीचे की ओर जो मटेरियल है वो रन करना शुरू हो गया। तो जेल जो हमारा होता है वो बेसिकली एक पोरस मीडियम होता है, उस पोरस मीडियम में ही जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो अपोजिट पोल्स की ओर या अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करना करते हैं। द इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालाइज इज यूज इन द फोरेंसिक टू द कंपेयर डीएनए इन मेडिकल लेबोरेटरीज टू जेनेटिक टेस्टिंग एंड द माइक्रोबायोलॉजी लैब्स टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू एनालाइज प्रोटीन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस आल्सो यूज टू द क्रिएट प्यूरिफाइड सैंपल ऑफ प्रोटीन्स। अब हम जब अगर सेपरेट करते हैं डीएनए को या प्रोटीन्स को करते हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल की इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं, इसको टेस्टिंग के द्वारा अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज करते हैं, और उसके बाद हम उस सैंपल को प्योर कर सकते हैं। वंस द सैंपल इज रन थ्रू अ जेल पोर्शन विद द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिमूव्ड एंड पोर्शन ऑफ कंटेंट कैन बी यूज एनालाइज टेस्टिंग। और जब हम टेस्टिंग करेंगे जेल में रन करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई रन करेंगे तो उसमें प्योर और इम्प्योर प्रोटीन्स हो डीएनए पार्ट हो वो सभी में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा टारगेट होगा यानी कि जो हमें मटेरियल चाहिए है जो हमारा इंटरेस्टिंग मटेरियल है उसको वहां से जेल से कट करके उसको अलग कर लेंगे। वो बहुत सारे दूसरे मेथड्स के द्वारा हम यूज करते हैं, साधारण ब्लॉटिंग और उनके द्वारा भी करते हैं, तो इस तरीके से हम जेल के उस मटेरियल को जो हमारा इंटरेस्टिंग मटेरियल उसको अलग कर लेंगे। फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑपरेटर्स, तो इस तरीके से हम काम कर रहे होंगे उसमें, और जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा ऑपरेटर्स है
उसमें क्या क्या चीजें होती है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है बफर्स, कैरी द करंट एंड मेंटेन द पीएच ऑफ द मीडियम। तो एक बफर सोल्यूशन होता है जो करंट को, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन करता है, उसके साथ साथ जो हमारा मीडियम है, जेल का मीडियम है, उसके पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। बीक्स कनेक्ट सपोर्ट मीडियम विद बफर टू कंप्लीट सर्किट, और इसके द्वारा जो है सर्किट को कंप्लीट करता है। सपोर्ट मीडियम प्रोवाइड द मैट्रिक्स इन विच सेपरेशन टेक्स प्लेस, और ये मीडियम जो है मैट्रिक्स में जो हमारा सेपरेशन है उनको अलग अलग स्थान देता है। कवर रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ बफर, यानी कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है उसको बफर को कम करने का काम करता है। प्रिवेंट कंटामिनेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोर्टिक रन, और जिस समय हम इनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं उस समय हमारा जो मीडियम होता है, जेल जो होता है, उसको कंटामिनेशन होने से बचाने का काम करता है। पावर सप्लाई प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो पावर सप्लाई का मेन काम होता है कि जो हमारा मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो चाहे प्रोटीन हो चाहे डीएनए हो, उससे क्या होता है कि पावर सप्लाई के बाद उस जेल में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो जाता है, यानी माइनस और प्लस चार्ज, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज के अनुसार ही पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेंसिटोमीटर क्वालिफाइंग द सेपरेट हैंड इज डन बाय द कंपैरिजन ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बैंड्स। अब हम देख सकते हैं ये हमारा देखा जाए एक ऑपरेटर से पूरी तरीके से, तो हमारी पावर केबल है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई काम करने देती है, एक टैंक लिड है और एक कास्टिंग डैम्स है जिनके द्वारा हम इसको बंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जेल ट्रे है जिसके अंदर जेल भरा जाता है, और जब जेल भरने से पहले जो होता है कास्टिंग डैम्स को बंद कर ब्लॉक कर देंगे, और इलेक्ट्रोड्स हैं जो इसके अंदर फिट होंगे, और उसके बाद इसमें बफर टैंक्स है, इसके अंदर बफर सप्लाई जेल उसको भर देंगे। बफर जेल करने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं केबल्स है, बफर सोल्यूशंस है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो है अपना प्रोडक्ट डालेंगे और फिर इलेक्ट्रिक जब सप्लाई रन करेंगे तो जो ये मटेरियल होगा, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई फिल हो गए, तो रन नीचे की ओर करेगा, बेस से नीचे की ओर करेगा, जो सेपरेशन आएगा इसमें की। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी, तो जो प्लस और माइनस मालिक्यूल, जो हमारे चार्जेस, जो चार्जिंग फील्ड डेवलप होता है उसके अनुसार जो मालिक्यूल होते हैं शेप साइज और चार्जेस के अनुसार सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं। मोबिलिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मालिक्यूल, पहला काम है साइज के अनुसार मूव करेंगे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्जेस ऑफ मालिक्यूल, और सेकेंड इसमें चार्ज यानी प्लस या माइनस इस पर डिपेंड करता है। ग्लोबुलर प्रोटीन है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सो दे फास्टर मोबिलिटी देन फाइबरस प्रोटीन ऑफ द सिमिलर मालिक्यूल पे। इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो तेजी से मूव करती है कंपेरिजन टू फाइबरस प्रोटीन के। पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोल्स, तो जो माइनस चार्ज यानी एनायन जो होते हैं वो पॉजिटिव पोल्स की ओर मूव करेंगे, और वेयर एज यहीं पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा कैटायन यानी मूव डायरेक्शन टू नेगेटिव पोल तरफ, यानी कि जो भी चार्जेस हमारा सप्लाई होंगे वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करेंगे। व्हेन परफॉर्मिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस द पॉजिटिव पोल्स रिफर टू एनोड व्हाइल नेगेटिव पोल रिफर टू कैथोड्स, तो इलेक्ट्रोफोर्सिस में देखा जाए जो पॉजिटिव पोल्स है वो एनोड को रिप्रेजेंट करता है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव पोल्स को रिप्रेजेंट प्रेफर करता है। एज अ रिजल्ट चार्ज पार्टिकल मूव टू नोड्स दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर देम एनायन माइग्रेट फ्रॉम कैथोड एंड एनोड, और इस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने अपोजिट पोल्स की ओर मूव कर जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंट, तो ये दूसरे के वोल्टेज और उसके अनुसार जो होता है मोबिलिटी होती है हमारे पार्टिकल्स की, वो जो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट उसके प्रोपोर्शनल होती है, और उसके ही उल्टा जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है उसमें। बफर, अब जो हमने यूज किया तो बताया था बफर क्या होता है। बफर फंक्शन टू कैरी करंट एंड मेंटेन द पीएच ऑफ मीडियम, तो बफर सोल्यूशन जो होता है, जो बफर हम यूज करते हैं उसका मेन काम होता है कि जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पीएच को ऑलवेज मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरा
करंट को कैरी करने का काम करता है। द ऑप्टिमम आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर इज नेसेसरी एज हायर आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द शेयर ऑफ करंट कैरीड बाय बफर आयन स्लो डाउन द सैंपल माइग्रेशन। इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ हीट लीडिंग टू इंक्रीज डिफ्यूजन ऑफ सेपरेशन बैंड्स। तो जितना जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, अमाउंट हीट का बढ़ाएंगे, उतना डिफ्यूजन सेपरेशन बैंड्स का डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। वाइल लो आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर ऑल्सो रिड्यूस रिजोल्यूशन ड्यू टू रिड्यूस ओवरऑल करंट पासिंग थ्रू द मीडियम। द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन अमीनो एसिड्स डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ मीडियम। तो इन जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स के, ये हमारे जो मीडियम है उसके पीएच पर डिपेंड करते हैं। अल्ट्रेशन इन दिस पीएच ऑफ द मीडियम कैन अल्टर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द माइग्रेशन। दूसरी चीज है सपोर्टिंग मीडियम। सपोर्टिंग मीडियम क्या होता है? अ मीडियम हैविंग एफिनिटी टू फॉर द मॉलिक्यूल इन सैंपल कैन हैंडल द रेट ऑफ माइग्रेशन एंड कैन बी डिक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन। तो ये जो माइग्रेशन का रेट है उसको हैंडल करते हैं और जो सेपरेशन का रिजोल्यूशन है उसको कम करने का काम करते हैं। द पोर साइज इन सपोर्ट मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ जेल। तो जो जेल मीडियम है बेसिकली, या जो सपोर्टिंग मीडियम है, उसके अंदर पोरस सिस्टम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। तो ये कंसंट्रेशन के अनुसार डिपेंड करता है। एडजॉइनिंग पोर साइज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरेस्ट नेसेसरी ऑप्टिमम रेजोल्यूशन। और ये जो हमारा पोरिंग का साइज है वो मॉलिक्यूल के इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी के अनुसार होता है। फिक्स्ड ग्रुप सच एज सल्फेट गेट आयनाइज्ड एंड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एट अल्कलाइन न्यूट्रल पीएच। तो ये जो होता है हमारा वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ओएच आयन एसोसिएटेड विद द नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स स्टार्टेड माइग्रेशन टूवर्ड्स कैथोड। और इसमें आयन ओएच आयन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के साथ एसोसिएट होते हैं और जो होते हैं माइग्रेट क्या करते हैं, कैथोड की ओर मूव करेंगे। दिस मूवमेंट हैंडल सैंपल मूवमेंट टूवर्ड्स एनोड कैन रिड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन। दिस इफेक्ट नोन एज इलेक्ट्रो एंडमोसिस। और इस जो मूवमेंट हो रहा है कैथोड एनोड की ओर, ये कहलाता है इलेक्ट्रो एंडमोसिस कहलाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अल्ट्रा प्योर एग्रियोस जॉल विद लो सल्फेट कंटेंट। अब हम जो मीडियम नॉर्मली होता है, मीडियम भी मटेरियल कंटेंट के अनुसार जो हम मटेरियल यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, किस मटेरियल को मैं करना उसके अनुसार अलग अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट मीडियम एंड बफर्स आर यूटिलाइज्ड टू इफेक्टिवली सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने बताया था कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यूज सेपरेट करने के लिए सपोर्टिंग मीडियम और बफर्स का अलग अलग यूज होता है। बार्ट्समैन फिल्टर पेपर, बार्ट्समैन फिल्टर पेपर इज यूज फॉर सपोर्टिंग मीडियम। इसके द्वारा भी हम मीडियम को सपोर्टिंग मीडियम यूज करते हैं। इट इज ए रिक्वायर्ड लॉन्ग रन टाइम। इसको इसमें के लिए 10 से 12 से 16 घंटे जरूरत होती है। एंड लो वोल्टेज पर सेपरेशन रिजोल्यूशन पुअर ड्यू टू द इंक्रीज डिफ्यूजन ऑफ सेपरेटर। और सेपरेशन के लिए लो वोल्टेज आवश्यकता होती है। रिजोल्यूशन इज पुअर, जिसका रिजोल्यूशन होगा बहुत कम होगा, क्योंकि जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ सेपरेट एनालिस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। सेलुलोज एसीटेट, ये क्या करेगा? सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द परफोरेटेड सॉलिड मीडिया इज द रिक्वायर्ड लेस देन टाइम 1 आवर। ड्यू टू दिस रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेट बैंड इज फार सुपीरियर टू पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये इलेक्ट्रोफोर्सिस के सुपीरियर होता है। थ्रो इट इज एक्सपेंसिव, इट इज वाइडली यूज फॉर सेपरेशन लिपोप्रोटीन्स प्रोटीन एंजाइम्स आइसोफॉर्म्स हीमोग्लोबिन वेरियंट ड्यू टू द सुपीरियर रिजोल्यूशन लेस इंट्रैक्शन विद एनालिस्ट सैंपल। तो ये बहुत कॉस्टली। अब जो मेन हम मीडियम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस में, जेल जो हम यूज करते हैं, इस कॉल्ड एग्रियोस जेल। एग्रियोस इज द टाइप ऑफ हेट्रोपोलीसेक्राइड। एग्रियोस क्या होता है? एक हेट्रोपोलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें केमिकल होता है। इट फॉर्म्स अ विस्कस सॉल्यूशन, जो हमारा एक चिपचिपा सॉल्यूशन तैयार करता है। व्हेन डिसॉल्व
इन अ हॉट बफर सॉल्यूशन, इसको हम गर्म बफर सॉल्यूशन में यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस तक जो हॉट होता है, गर्म होता है, उसमें हम डिजॉल्व करते हैं. व्हाट द सॉलिडिफाई एज ए जेल ऑन कूलिंग डाउन, इसको सॉलिडिफाइड करने के लिए इसको ठंडा करना पड़ता है. इट इज यूज्ड टू सेपरेट सीरम, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सीरम प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन प्रोडक्ट आदि में इसका भी यूज करते हैं. फिक्स सल्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट इन द एग्रीगेट, उसमें सल्फेट ग्रुप जो होते हैं निश्चित होते हैं. रिड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ बैंड ड्यू टू द इंक्रीज इलेक्ट्रो एंडमोसिस, और इलेक्ट्रो एंडमोसिस के समय बढ़ने के कारण ये क्या करते हैं, बैंड्स के रिजोल्यूशन को कम करते हैं. दिस कैन बी प्रिवेंट यूजिंग अल्ट्रा प्योर एग्रीगेट जेल विद लो सल्फेट कंटेंट. तो इस तरह हम बताया कि जब हम जेल रन करेंगे, जैसे हम फोटोग्राफ में देख रहे हैं, अगर मान लिया प्रोटीन रन कर रहे हैं या डीएनए रन कर रहे हैं, तो हमारा जो जेल होगा जो हम रन करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, यहाँ पर हम मटेरियल्स को डालेंगे और फिर इसमें हम चार्ज सप्लाई करने के बाद हमारा ये लोडर आता है सबसे पहले, उसके बाद मटेरियल्स को आता है. इस तरीके से बैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो मॉलिक्यूल और साइज के अनुसार यानी बेस पेयर के मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अनुसार बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें होगा. पॉलीक्रोमाइट जेल दूसरे टाइप का जेल होता है. इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रामाइड एंड BIS. एक्रामाइड इज द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम परसल्फेट NN टेटा मिथाइलिडिन यानी कि टिम्ड राइबोफ्लेविन इज द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज. तो एक विशेष प्रकार का जेल होता है. द पोर साइज ऑफ जेल कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स. इसमें इस जेल में जो पोर का साइज कंट्रोल करने के लिए यूज करता है वो कौन डिपेंड करता है, मोनोमर्स का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है. दिस जेल कैन बी यूज्ड वाइड वैरायटी ऑफ एनालिस्ट सच एज प्रोटीन पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स में सेपरेशन भी इसका यूज करते हैं, एनालिसिस करने के लिए करते हैं. इट कैन बी प्रोवाइड एक्सीलेंट रिजोल्यूशन ड्यू टू द बिटर मॉलिक्यूल सेविंग ऑफ द मिनिमल इंटरेक्शन ऑफ सैंपल मॉलिक्यूल विद मैट्रिक्स. इट प्रोटीन सोल्यूशन इज वाइल्ड ब्रीफली इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डोडोसाइल सल्फेट एंड मैक्रो प्रोटेथनॉल प्रोटीन्स सोल्यूशन गेट डिनेचर्ड एंड दे रिक्वायर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज विच मेक्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्रोटीन. तो इस तरीके से काम करते हैं. अब इस जेल में क्या होता है, दिस प्रोड्यूस पेप्टाइड चैन विद कंटेंट चार्ज टू मास रेशियो द यूनिफॉर्म शेप. इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी कैन बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड मास ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन. तो इसकी जो मोबिलिटी होती है वो पेप्टाइड चैन और अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है. अब स्पेसिमेन में जो हम करेंगे रिक्वायरमेंट, किसी स्पेसिमेन को टेस्टिंग करना, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, प्रोसीजर क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस. तो सबसे पहला क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस किस प्रकार का है एंड डिजीज इन बार द स्पेसिमेन रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग वेरी, और स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो प्रोसेसिंग होती है वो अलग अलग हो सकती है. सीरम प्लाज्मा होल ब्लड हिमोलिस्ट आर द मोस्ट कॉमनली यूज द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन टू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सेप्टम. तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर जो हम सेपरेशन का काम करते हैं उसमें इनका सीरम आता है, प्लाज्मा आता है, होल ब्लड आता है, इन चीजों को डायग्नोस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं. न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टिश्यू सेलुलर प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीमराइज चैन रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट आर द स्पेसिमेन यूज्ड इन द रिसर्च लेबोरेटरी वर्किंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीनोमिक्स एंड प्रोटीन में इस काम करते हैं. द टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है इसमें, कन्फर्मेशन ऑफ सैंपल डिटेल्स, कि हमें अपना टेस्ट करना है कि जो हमारा सैंपल है वो वही है जो हमें चाहिए कि दूसरा कुछ है. कन्फर्मेशन ऑफ सैंपल डिटेल्स विद द टेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम डन इसेंशियल प्रोसेसिंग द सैंपल इज पर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट. सीरम प्लाज्मा कैन बी सेपरेट यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज फॉर प्लेन एंड एंटी कागुलेंट कंटेनिंग बाइल्स. अगर सीरम और प्लाज्मा के केस में देखा जाए तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज दूसरा ऑपरेटर उसको यूज करते हैं और उसमें एंटी कागुलेंट बाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं. सीरम एंड प्लाज्मा आर यूज टू असिस्ट द क्वांटिफाइंग प्रोटीन
फ्रैक्शन टू डायग्नोस डिसऑर्डर रिलेटिव टू द सिंथेसिस और डिस्पोजल। तो सीरम और प्लाज्मा में जो हमारा प्रोटीन्स होता है उसको आइडेंटिटी डायग्नोस करने के लिए उसको प्रयोग करते हैं। हेम्योलिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग बफर्स द होल ब्लड स्पेसिमैन फ्रॉम द एंटीकागुलेंट कंटेनिंग वायल्स। होम्योलिस्ट इज यूज टू एसिस द क्वांटिफाइंग हीमोग्लोबिन फ्रैक्शन टू डायग्नोस होमोग्लोबिन पैथिक्स एंड थैलामीसिया। यानी कि इन चीजों को हम स्टडी करने के लिए डायग्नोस करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट पर प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड आफ्टर मिक्सिंग विद सुक्रोज बफर एंड ट्रेकिंग डाई। आफ्टर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड जेल द सैंपल इज अप्लाइड एंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट। तो ये सब करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं जिससे हमारा टेस्टिंग स्टार्ट। इंटरेस्टिंग फैक्टर तो कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, जो जरूरत है। द मेजर इंटरेस्टिंग फैक्टर हीट, यानी कि टेम्परेचर कितना होता है। नॉन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिव ग्रुप ऑफ सपोर्ट मीडियम एंड इलेक्ट्रो एडमोसिस। सेकेंड हमारा क्या फैक्टर्स होते हैं, एज द करंट एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस इंक्रीज द जेल टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू हीट डिस्पर्शन। और जो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेगा, हीट डिस्पर्शन करेगा। दिस बेल इंक्रीज द रैंडम मोशन टू द मॉलिक्यूल इन द मीडियम रिड्यूसिंग द शार्पनेस रिजॉल्विंग द सेपरेट बैंड्स। नॉन स्पेसिफिक अर्गेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सपोर्ट मीडियम लीड टू द बाइंडिंग एनालिस्ट विद दीज ग्रुप हैंडल द एमोबिलिटी ऑफ द क्रियोजेल। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर इलेक्ट्रो एडमोसिस जनरेट आयन फ्लो अपोजिट टू डायरेक्शन एनालिस्ट मोशन लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ। अब रिजल्ट और रिपोर्टिंग क्रिटिकल हम जो कैसे करेंगे उसको, द आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सिस रन द ओवर द जेल इज एक्सटेंडेड फॉर द एनालाइट ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर इंक्यूबेशन। यानी कि जेल को रन करेंगे लंबे एक निश्चित टाइम तक, उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, विद स्टेनिंग सोल्यूशन एक्सेस ऑफ स्टेन इज रिमूव्ड बाय द ट्रीटिंग जेल विद द डी स्टेनिंग सोल्यूशन। तो जो हमारा रन हो जाएगा उसके बाद हम उसमें स्टेनिंग करेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें डी स्टेनिंग सोल्यूशन डाल के उसको जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो रिमूव कर देंगे। आफ्टर स्टेनिंग द जेल इज विजुलाइज्ड इन द सुटेबल वेव लेंथ ऑफ लाइट एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ईच सेपरेटेड बैंड इज क्वांटिफाइड डेमोंस्ट्रेटिवली। द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ईच सेपरेट बैंड विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनालिटिकली प्रेजेंट ऑन द बैंड। द रिपोर्ट कंटेनिंग द प्रेजेंस प्रोपोर्शन द ईच स्ट्रेन एनालिटिक द सैंपल। तो हम एक करने के बाद उसे विशेष लाइट में देखेंगे, ऑप्टिकल लाइट में देखेंगे, उसके बाद हमें दिखेगा कि उसे विशेष प्रकार के बैंड्स दिखाई देंगे और जो बैंड्स होंगे वो हमारे मटेरियल जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही हमें वो बैंड्स उसमें मटेरियल में दिखाई देंगे, जिससे हम अपनी फाइंडिंग्स देख सकते हैं कि हमारा जो चीजें हम उसमें है या नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बैंड एटीन्यूशन द नॉर्मल बैंड इज सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोर्सिस कैन बी प्रोवाइड इनसाइट टू द क्लिनिशियन रिगार्डिंग ऑन गोइंग डिजीज प्रोसेस द फॉलोइंग टेबल सो द मेंटेन कंटेंट जोन ऑफ द सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोर्सिस पीएच 8.6। उसमें जिस तरीके हम देख सकते हैं इसमें अलग अलग बैंड्स दिखाई दे रहे हैं हमें, कहीं पर डार्क बैंड्स है कि लाइट बैंड्स है, तो इसके आधार पर हम प्रेजेंस और अब्सेंस देख सकते हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है कि जो हम जो डायग्नोस करना चाह रहे हैं वो क्या चीज है, यहाँ पर देख सकते हैं बैंड्स। क्वालिटी कंट्रोल एंड लैब सेफ्टी, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं और लैब में किस तरीके से हमें सावधानियां रखनी चाहिए। कमर्शियल अवेलेबल कंट्रोल द यूटिलाइज कंपेयर द मूवमेंट ऑफ एनालिटिकल इंटरेस्ट दे आर वाइडली यूज फॉर। अब जो हम इलेक्ट्रो फोर्सेस किस में यूज करते हैं, बेसिकली यूज फॉर हीमोग्लोबिन सीरम प्रोटीन न्यूक्लियर एसिड इलेक्ट्रो फोर्सेस। कैटायन इज नेसेसरी व्हेन द प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रो फोर्सेस जेल। हम करना क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफोर्सिस जेल तैयार कर लेना चाहिए, बफर प्रिपरेशन होना चाहिए, सेटिंग अप ऑपरेटस रनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस स्टेनिंग विजुलाइजेशन ऑफ एनालाइज। तो ये जितने भी प्रोसेस है इनको हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। मोनोमर्स यूज इन द पोरी एक्रामाइड जेल प्रिपरेशन एंड कार्सिनोजेनिक। तो मोनोमर्स जो होते हैं जो पोली एक्रामाइड जेल में को तैयार करने में प्रयोग किए जाते हैं वो बेसिकली
कार्सिनोजेनिक होते हैं तो इनका हमें सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, यानी कि हमें नंगे हाथों से नेकेड हैंड को यूज नहीं करना चाहिए। द कैटलिस्ट यूज्ड इन पॉलीएक्रामाइड जेल प्रिपरेशन कैन यूज फ्री रेडिकल रिलेटेड डैमेज टू टेक स्किन इट कॉन्टैक्ट नॉन ऑफ सोल्यूशन शुड बी माउथ पिपेट। और हमें जो है इन चीजों को सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। नेकेड हाथों अगर हमारा स्किन के कांटेक्ट में हमारे जेल आएगा तो ये हार्मफुल होगा, और ना ही हमें सोल्यूशन को माउथ पिपेट से खींचना चाहिए, यूज करना चाहिए, माउथ पिपेट को यूज नहीं करना चाहिए हमें। द बारबिटॉल बफर कंटेनिंग सोडियम बारबिटेरेट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्प्रेंट, यानी कि ये जो हमारा केमिकल है हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इथिडियम ब्रोमाइड यूज इन द न्यूक्लियर एसिड स्टेनिंग इज नोन एज कार्सिनोजेनिक, तो ये भी केमिकल कार्सिनोजेनिक होता है। डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ आई अल्ट्रावायलेट रेज ड्यूरिंग विजुलाइजेशन ऑफ जेल कैन यूज सीवियर डैमेज टू आई, तो अगर हम जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज में हम देखेंगे तो हमारे डैमेज होने की संभावना रहती है। इनहांसिंग हेल्थ केयर डैम टू टीम आउटकम द डायग्नोसिस ऑफ मेडिकल कंडीशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑप्टिमल परफॉर्म्ड यूज्ड इन द इंटरप्रोफेशनल टीम that includes internal medicine, biochemistry, laboratory, medicine expert along the nurses and laboratory technicians. Clinical correlation of the patient history examine other investigation with the electrophoresis pattern can help to clinical narrow down to the specific diagnosis. Specific diagnosis to the clinical condition help to the treating clinic develop a treatment plan according to underlying pathology.